सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 14 यानी कि जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से है उस पर बात करेंगे। इससे पहले 12-13 हम कर चुके हैं और जो भी आपके इसमें ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वह क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में आए हैं, लेकिन वह सेम नहीं है। उनमें से कुछ इधर उधर करके यानी कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं आपके LDC एग्जाम में उन्हीं से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप जो है इस तरह के मॉडल पेपर की अगर तैयारी करते हैं तो आपको पक्का जो है सक्सेसफुल मिलेगा। और साथ ही जो दोस्तों आज के डेट में आपको एक खासकर मैं उन LDC वाले को बता रहा हूँ, हेड कांस्टेबल जो कर रहे हैं उससे भी ऊपर आपको जाना है, सब इंस्पेक्टर वाला LDC और जो सब इंस्पेक्टर से AC का LDC कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की डेट में मैं बता दूं आपको, केंद्र रिजर्व पुलिस बल या दूसरा कोई भी बल के बारे में बता तो नहीं, लेकिन जो एक डिग्नेशन जो रैंक का डिग्नेशन किया है इंस्पेक्टर का, तो वो है आज की डेट में आपको प्रोग्रेस करना होगा, नहीं तो एक बहुत ही कहना मतलब ये ठीक नहीं हुआ है फौज के हिसाब से। तो आप मेहनत करके आ ऊपर जाने की कोशिश करें, अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों, आज के प्रश्न में है, प्रश्न नंबर 1 है, अमुनिशन की घुमाव सबसे ज़्यादा किस रेंज पे होता है। ए दिया है 5 गज पे, बी दिया है 10 गज पे, सी दिया 15 गज पे, डी दिया है 20 गज पे। तो अमुनिशन का जो घुमाव सबसे ज़्यादा होता है वो दोस्तों 5 गज पे होता है। प्रश्न नंबर 2 है, बट रजिस्टर का नंबर कितना होता है। तो इसमें ए में दिया है IAFC, ये IAFC तो सभी में है, 843, 853, 863, 873। तो दोस्तों इसमें बी जो ऑप्शन है IAFC 853 सही है। प्रश्न नंबर 3 है, फायरिंग पॉइंट रजिस्टर का नंबर क्या होता है या कितना है। CRPF 30, बी में CRPF 40, सी में CRPF 41 और डी में CRPF 42। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, CRPF 41 यानी कि 41। इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं आप कि आपका जो राउंड फायर होता है दिन में वो 41, तो 41। प्रश्न नंबर 4 है, लैंड स्केप टारगेट की माप क्या होती है। तो इसमें दिया गया दोस्तों 5x2 होता है, 5x3 होता है, 5x4 होता है, 5x5 होता है। तो दोस्तों इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, 5x2 होता है लैंड स्केप टारगेट की माप। प्रश्न नंबर 5 है, ग्रेफाइट ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो जो राइफलों में एक तरह का ग्रीस लगता है, दो ग्रीस अलग अलग हैं, टेम्परेचर के हिसाब से प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार जो है आपका तेल भी जो यूज करते हैं राइफल में बैरल में लगाने के लिए, उसको भी अलग अलग टेम्परेचर में यूज किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेफाइट ग्रीस की। तो दोस्तों इसमें जो दिया है 30 डिग्री से अधिक तापमान पर, बी में दिया है 32 डिग्री से अधिक तापमान पर, सी में दिया है 34 डिग्री से अधिक तापमान पर और डी में दिया है 36 डिग्री से अधिक तापमान पर। तो दोस्तों इसका ए राइट है, 30 डिग्री से अधिक तापमान पर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, गैस अमुनिशन कितने प्रकार के होते हैं। ए में दिया है 2 प्रकार के, बी में दिया है 3 प्रकार के, सी में दिया 4 प्रकार के और डी में दिया 5 प्रकार। तो गैस अमुनिशन जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट रेंज, एक होते हैं मीडियम रेंज, दूसरे होते हैं लॉन्ग रेंज। आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में गैस अमुनिशन कब बनाया गया। या पहले गैस अमुनिशन विदेशों में बनाया था, लेकिन भारत में कब बनाना शुरू किया। तो ए में दिया 10 मई 1980 को, बी में दिया है 11 मई 1980 को, सी में दिया है 12 मई 1980 को और डी में दिया है 13 मई 1980 को। तो दोस्तों जो इसकी डेट है 12 मई 1980 को भारत में गैस का अमुनिशन पहला अमुनिशन बना था। प्रश्न नंबर 8 है, आंसू गैस का आविष्कार हुआ है। तो ए 16वीं शताब्दी पूर्व में, बी 17वीं शताब्दी के पूर्व में,
डी 18वीं शताब्दी की, सी 18वीं शताब्दी के पूर्व में, और जो डी है 19वीं शताब्दी के पूर्व में। तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्व में जो है आंसू गैस का आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वप्रथम आंसू गैस का प्रयोग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, बी है द्वितीय विश्व युद्ध में, सी है शीत युद्ध में, या डी इन कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, प्रथम विश्व युद्ध में जो है सबसे पहले आंसू गैस का प्रयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, आंसू गैस कितने प्रकार की होती है, ए में दिया है एक प्रकार की, बी में दिया है दो प्रकार की, सी में दिया है तीन प्रकार की, डी में दिया है चार प्रकार की। तो दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि दो प्रकार की होती है आंसू गैस। प्रश्न नंबर 11 है, ठोस गैस कितने प्रकार की होती है, ए में दिया है एक प्रकार की, बी में दिया है दो प्रकार की, सी में तीन प्रकार की, तो डी में चार प्रकार। तो दोस्तों ठोस गैस जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 12 है, सीएन का पूर्ण रूप क्या है, तो ए में दिया है क्लोरो एसीटोनो फिनोन, बी में दिया है क्लोरो एसीटोफिनान, सी में दिया है क्लोरो एसीटोफिनोन, और डी में दिया है क्लोरो एसीटोफिनोन। तो दोस्तों इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लोरो एसीटोफिनोन। प्रश्न नंबर 13 है, सीएन का आविष्कार किसने किया है, ए में दिया है स्रोव द्वारा 1871 में, बी में दिया है स्रोव द्वारा 1872 में, सी में कहना मतलब सिर्फ सन इसमें चेंज है, और सी में जो 1873 में, डी में स्रोव द्वारा 1874। तो इसका ए ऑप्शन सही है, स्रोव द्वारा 1871 में जो है इसका आविष्कार हुआ। यानी कि जो एक ये भी मान सकते हो, इस तरह याद रख सकते हो, सीएन जिस प्रकार 1971 में भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ उससे 100 साल पहले, एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14 है, सीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो सीएस में लिखा है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, क्लोरीन वेंजोल नोनिट्रिल, बी में भी दिया है क्लोरीन वेंजिन नोनिट्रिल ट्रिले, बी में जो है, और सी में दिया है क्लोरो वेंजिन नोनिट्रिले, और डी में जो है क्लोरोवेंजोन। थोड़ा थोड़ा इसमें दोस्तों अंतर है, ननिट्राल। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, क्लोरोवेंजोन ननिट्रेल। प्रश्न नंबर 15, सबसे ज्यादा खतरनाक गैस कौन सी है दोस्तों, इसमें दिया है ए में सीएन, बी में सीएस, और सी में डीएम, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे खतरनाक गैस जो इन गैसों में है वो डीएम गैस है। प्रश्न नंबर 16 है, डीएम गैस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सेम डास्फिनिले माइक्रोक्लोरो साइंस, और दूसरे में जो दिया है डास्फिनिले माइक्रोक्लोरीन साइंस, डास्फिनिले मिक क्लोरो साइन, और डी में दिया है डास्फिनिले माइन क्लोरो साइन। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17 है, स्टोर में पड़े टायर की लाइफ कितनी होती है, दोस्तों ए में 5 वर्ष, बी में 6 वर्ष, सी में 7 वर्ष, डी में 8 वर्ष। तो स्टोर में पड़े टायर की लाइफ जो है 5 वर्ष होती है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18 है, स्टॉप कार कितने किलोमीटर एम वर्ष के बाद कंडम लगाई जा सकती है, तो 1.5 लाख और 5 वर्ष, बी में 1.5 लाख और 7 वर्ष, सी में 1.5 लाख और 8 वर्ष, डी में 1.5 लाख और 10 वर्ष। तो दोस्तों स्टॉप कार का जो एक कंडम लगाने का कैटेगरिया है वो है 1.5 लाख, तो सही है सभी में, लेकिन 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष होने चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, गाड़ी की बैटरी की लाइफ कितनी होती है, तो गाड़ी की लाइफ पूछ ले बैटरी की या बैटरी की, सभी की एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आया है, बैटरी की लाइफ पूछा गया है, तो दोस्तों 1 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष दिया है, सी में 2 वर्ष 3 वर्ष। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की जो बैटरी होती है उनका लाइफ 2 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 20 है, बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, ए में दिया है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक
एसिडिटी या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें लास्ट वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों, इसका सी वो डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों आज के वीडियो में ये 20 ही क्वेश्चन थे, 20 साहब मैंने जो है आपको प्रोवाइड कराए, ये एक मॉडल पेपर टाइप का था। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेलकन जो बेल आइकन लगी है उसको भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से वह आपको टेक्स के रूप में इस पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर 8825072295 है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप मेरे से इस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम में जाओगे तो उस पर सर्च कर सकते हो LDG एंड नेट एग्जाम के नाम से, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आजकल सभी लोग, तो आप उसको भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।